सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस लेक्चर में हम पहले तो कुरान जो लास्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट करेंगे और दूसरा वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें एक क्वेश्चन था कि हमारे पास कंप्रेसर था, उस कंप्रेसर के एक्सटर्नल आउटलेट पे जो वेपर्स हमें मिल रही थी रेफ्रिजरेंट की वो सैचुरेटेड वेपर्स थी। ठीक है, इसके बाद उसको कंडेंस किया जा रहा था, इसके बाद एक्सपेंशन हो रहा है एंड देन हीट रिजेक्शन, हीट एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट होगी एंड फाइनली प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड वी हैव आई हैव इन्फॉर्म्ड यू दैट हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एंथैल्पीज। ऑब्वियसली सिस्टम की जो सीओपी होगी वो सीओपी किसके बराबर होगी, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन द वर्क रिक्वायर्ड, है ना, वर्क रिक्वायर्ड। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है, यहां से यहां तक हम लोगों ने हीट पिकअप की है, ठीक है, हीट एक्सट्रैक्ट किया, तो H1 में से H4 घटा देंगे अपॉन कितना कंप्रेसर, ये कंप्रेसर के अंदर प्रोसेस हो रहा है 1 to 2, तो H2 माइनस H1। तो अगर हम ये सारी एंथैल्पी H1, H4, H2, H1 अगर ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग उसकी COP कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि H1, पहले अगर हम H4 की बात करेंगे तो H4 इज द एंथैल्पी एट द एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर, कंप्रेसर के आउटलेट पे जो एंथैल्पी है वो आपकी H2 है। तो H2 क्या है, ये वाली एंथैल्पी की यहां पर कितनी एंथैल्पी है, तो ये जो एंथैल्पी होगी H2, ये वाली एंथैल्पी होगी आपकी एंथैल्पी ऑफ गैस एट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अमोनिया के लिए आप लोग रेफ्रिजरेटिंग टेबल देखेंगे, रेफ्रिजरेशन टेबल देखेंगे और उस टेबल में 25 डिग्री सेचुरेटेड टेम्परेचर पर, सेचुरेशन टेम्परेचर पर आप H2 की वैल्यू Hg देख लेंगे। ठीक है, Hg आप देख लेंगे तो आपको H2 मिल जाएगा। तो H2 यहां से मिल चुका है आपको। दूसरा H4 निकालना है, तो H4 क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि H3 और H4 जो है वो सेम होंगे, H3 विल बी इक्वल्स टू H4। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, प्रोसेस इज थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग का मतलब हो गया कि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। तो जो एंथैल्पी यहां होगी वही एंथैल्पी यहां होगी। तो या तो आप H3 कैलकुलेट कर लो या H4 कैलकुलेट कर लो। तो ऑब्वियसली H4 H3 के बराबर होगा, H4 विल बी इक्वल्स टू H3। और H3 क्या है, H3 इज द एंथैल्पी ऑफ लिक्विड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंथैल्पी ऑफ लिक्विड HF एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग डायरेक्टली टेबल से रीड कर सकते हो, सो यू हैव इजिली, यू कैन कैलकुलेट H4 एंड H2 इजिली। H4 H2 निकल गया, अब बात आती है H1 की कि सर H1 कैसे निकालेंगे। अब H1 निकालने के लिए क्या था, मैंने आपको बताया था कि H1 अगर हम बात करेंगे तो H1 किस जोन में लाई कर रहा है, दिस H1 इज लाइंग इन द वेट रीजन, ये आपका वेट जोन होता है, बीच वाला इस कर्व के अंदर वाला जो जोन होता है वो वेट जोन होता है। वो वेट जोन में अगर आपको एंथैल्पी लिखनी है, अगर H1 निकालना है तो वो HF प्लस XHFG, और ये जो एंथैल्पी है H1 वो किस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग है, सैचुरेशन टेम्परेचर -10 के करस्पॉन्डिंग, -10 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग। और ऑब्वियसली ये जो HF होगा आपका वो HF कहां पर होगा, यहां पर। तो HF इसमें मैंने आपको बताया था कि टेबल जो आपके पास अवेलेबल होगी रेफ्रिजरेशन टेबल, उस रेफ्रिजरेशन टेबल में सेचुरेशन कर्व जो होता है उस पर प्रॉपर्टीज हमें अवेलेबल होती हैं, वी नो द प्रॉपर्टीज ऑन द सेचुरेशन टेबल। ठीक है, तो सेचुरेशन कर्व के पास यहां कर्व पे अगर कहीं भी प्रॉपर्टी है तो वो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में सैचुरेटेड वेपर लिक्विड लाइन होती है और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में। ठीक है, तो अगर आपको HF निकालना है तो HF क्या है, यहां पर एंथैल्पी, तो ऑब्वियसली ये आपको दी गई होगी। इसके बाद HFG क्या होता है, HFG होता है आपका HG में से HF घटा देना। तो HG यहां पर निकाल सकते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये अवेलेबल होगा टेबल में, स्टीम टेबल से आप इजीली कैलकुलेट करेंगे, और HF भी अवेलेबल होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस, मतलब ये वाला टर्म भी आपको इजीली पता चल जाएगा। प्रॉब्लम आएगी कि सर ये बताइए कि हम ये X कैसे कैलकुलेट करें, प्रॉब्लम आएगी X कैसे कैलकुलेट करें। तो हमारा जो मोटो होगा पहले X कैलकुलेट करना होगा। अब X कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस 1 to 2 है, ये 1 to 2 प्रोसेस कैसा है, ये 1 to 2 प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक।
प्रोसेस 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और आइसेंट्रोपिक का मतलब हो गया कि ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, एस जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, और अगर 1 to 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो S1 विल बी इक्वल्स टू S2। S1 जो प्रॉपर्टी होगी, S1 पे जो एंट्रोपी होगी वही S2 के बराबर होगी। अगर S1 की हम बात करेंगे तो ये वेट जोन में आ रही है, और वेट जोन में आपको पता है वेट जोन में अगर एंट्रोपी लिखनी होगी तो SF प्लस XHX SFG एट, ये कितना टेम्परेचर पर है, -10 पे, इट इज इक्वल्स टू S2। S2 मतलब यहां पर एंट्रोपी, और यहां पर एंट्रोपी किसके बराबर है, Sg के बराबर है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो यहां पर क्या होगा हमारे पास, यहां पर SF इज द एंट्रोपी एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, एंट्रोपी ऑफ फ्लूड एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड और एंट्रोपी ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड। तो मतलब यहां पर आपको एंट्रोपी टेबल से मिल जाएगी इजिली, तो ये मिल जाएगा SFG क्या होता है, SG minus SF, ये आपका SFG होता है, ये SFG होता है, तो SG जो है वो यहां पर मिल जाएगा टेबल से आपको, SF यहां से मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस मतलब ये वाला टर्म मिल चुका है। SG एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर भी आपको S की वैल्यू मिल जाएगी, SG 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। बचा क्या X, तो इस वाले फॉर्मूले से जो भी वैल्यू होगी उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, पुट करने के बाद एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, इस एक्स की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दोगे तो आपको H1 मिल जाएगा, और जैसे ही आप लोगों को H1 मिल जाएगा आप लोग COP निकाल सकते हैं, COP ऑफ द गिवन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज इक्वल्स टू H1 - H4 / H2 - H1। इज इट क्लियर, बताइए, हाँ जी समझ में आया कि नहीं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो चीज मैंने आप लोगों को डिस्कस किया आप लोगों के साथ, द सेम थिंग इज सॉल्व ओवर हियर। आप लोगों को देखो, आप लोगों को टेबल में देखो क्या क्या चीजें दी होंगी, देखो सुनो, इसमें देखो टेम्परेचर दिया होगा -25, एक तो +25 दिया होगा, -10 दिया होगा, ठीक है। यहां पर आपको HF दिया है, लिक्विड हीट दी होगी, HF दिया होगा इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, HFG दिया होगा आपको इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, और SF दिया होगा इसके करस्पॉन्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग। अच्छा अब देखो प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमें SF दिया है, हमें क्या दिया है, SF दिया है, SG तो दिया ही नहीं। इस वाले केस में एक फॉर्मूला आप लोगों को और यूज करना होगा, SFG जो होगा वो होगा आपका HFG अपॉन टेम्परेचर, सैचुरेटेड टेम्परेचर, केल्विन में होना चाहिए, इन केल्विन। तो अगर HFG यहां से आपको मिल ही जाएगा, HFG मिल जाएगा, सैचुरेटेड टेम्परेचर ये वाला, अगर 25 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो 25 के करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा, -10 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो -10 के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिल जाएगी। सो यू कैन इजिली कैलकुलेट द पैरामीटर्स और यू कैन इजिली कैलकुलेट द एंथैल्पीज रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए अब देखो कैसे तरीके से सॉल्व किया गया वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोगों को पता था कि एंथैल्पी क्या होगी इस वाले केस में, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है H1 - H4 अपॉन वर्क रिक्वायर्ड H2 - H1। कंप्रेसर के अंदर ये वाला प्रोसेस हो रहा है और रेफ्रिजरेटर के अंदर ये वाला प्रोसेस हो रहा है। अगर हम टेबल की बात करेंगे तो टेबल से H4 H3 के बराबर है, और मैंने आपको बता दिया कि H4 अगर H3 के बराबर है तो इट इज इक्वल्स टू H4 इज HF एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हुज वैल्यू आई हैव रीड फ्रॉम द टेबल, टेबल से जो उसकी वैल्यू अवेलेबल है 298.9 किलो जूल पर केजी, ठीक है। यहां से आप लोगों ने H4 कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद H2 अगर कैलकुलेट करना है तो H2 क्या होगा, HG के बराबर, HG मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर HG की वैल्यू क्या है, तो यहां से हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट की तो 41465.84, ठीक है। और अगर आपको पता है कि HFG क्या होता है, HG - HF, ठीक है, और HG अगर आपको HG निकालना है तो HF की वैल्यू घटा देंगे HG में से, तो HFG आपको पता है टेबल में दिया है, HFG दिया है, HF पता है, इन दोनों को वैल्यू को पुट करेंगे तो आप लोग HG यहां से निकाल सकते हो। सो फाइनली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ H2 दैट इज इक्वल्स टू HG एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सैचुरेटेड। मूविंग टू द नेक्स्ट, मूविंग फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द नेक्स्ट एंट्रोपी, नेक्स्ट थिंग,
अगर हम एच नेक्स्ट मेरा हमारा मोटो क्या था, एच वन कैलकुलेट करना, तो ऑब्वियसली एच वन किसके बराबर होगा, एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी एट टेम्परेचर -10°C। और क्योंकि यहां पर हमें x पता नहीं है, जब x नहीं पता है तो हम, मैंने बोला था आप लोगों से कि जो प्रोसेस 1 टू 2 है, प्रोसेस 1 टू 2 इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, 1 टू 2 इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस द प्रोसेस इन विच एंट्रोपी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज एस टू इज इक्वल टू एस वन। तो एस टू क्या है, एस वन के बराबर, और एस वन क्या है, एस एफ प्लस एक्स एच एफ जी -25°C। एंड एस जो एस टू यू नो वेरी वेल, सो हियर एस एफ जी इक्वल टू एच एफ जी अपॉन टी सैचुरेटेड एट टेम्परेचर ऑफ 25°C। ये मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से होगा, एच एफ जी दिया होगा, एच एफ सॉरी टेम्परेचर सैचुरेटेड टेम्परेचर 273 और 25 में 273 एड कर देंगे केल्विन में चेंज करने के लिए, है ना, ये बताया था। तो एच एफ एस एफ जी आपका हो जाएगा 3.914, ये वैल्यूज है, और दिस इज द एस, और एस एफ जी क्या होता है, एस जी माइनस एच एफ। तो यहां से आप लोग एस जी की कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यू, एस जी इज इक्वल टू एस टू दैट इज इक्वल टू एस वन विच इज इक्वल टू 5.04, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस जी एट -25°C। 25°C पे आप लोग एस जी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे आपको एस जी मिल गया ये वाले, अब इसी तरीके से एस एफ जी आपको -10°C पर निकालना है, तो यहां से एस एफ जी आप लोग -10°C पर इजिली डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। और आपको क्या पता है कि एच टू की जो वैल्यू होगी तो एस एफ प्लस एक्स एच एफ जी के बराबर होगी, और एस टू क्या है, एस टू इजिली निकाला ना, अभी अभी निकाला है, एस जी एस टू इज एस जी दैट इज इक्वल टू एस वन, तो 5.04 इसके बराबर हो जाएगा, 5.04 इट इज इक्वल टू एस वन, ये एस वन की वैल्यू है, ये वाली एस वन इज एस एफ प्लस एक्स एच एफ जी, और S1 क्या है, SF, SF पता है आप लोगों को, पता है SF दिया है, इसके अलावा X की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, और SFG -10°C पर SFG ये निकाल चुके हैं, ये वाली वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो फाइनली यू कैन गेट द X इज इक्वल टू 0.91। तो जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू है वो 0.91 है, मतलब ये हो गया कि जब आपका जो रेफ्रिजरेंट है, जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो एक्स की वैल्यू 9.91 का मतलब हो गया कि आपका जो रेफ्रिजरेंट जिस जोन में लाई कर रहा है उस केस में, उस टाइम पे जो आपका यहां से जो ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन जा रही है वो ये वाली लाइन है, सॉरी जो ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन है आपकी ये वाली लाइन है, तो ये जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है यहां पर आपकी जो क्वालिटी है रेफ्रिजरेंट की वो 91% स्टीम में वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, और 9% अभी भी लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड फेज में है, ठीक है। तो एक्स का मतलब 0.91 का मतलब हो गया कि आपका जो लिक्विड जो भी रेफ्रिजरेंट है वो 91% वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम मूव करेंगे, तो जैसे हम लोगों ने ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फाइनली वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, सो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें एच वन इजिली मिल जाएगा, एच वन इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी एट -10°C। सो एच वन इज इक्वल टू एच एफ इज नोन टू अस, एक्स वी हैव कैलकुलेटेड, एच एफ जी वी हैव कैलकुलेटेड दिस वन, एंड पुटिंग दिस वैल्यू वी कैन फाइनली गेट द वैल्यू ऑफ एच वन इज 1316.26 किलो जूल पर केजी। पुटिंग दिस वैल्यूज इन द इक्वेशन इन द फॉर्मूला HCOP is equal to H1 minus H4 upon H2 minus H1. So H1 we have calculated previous in this case, so it is 1316.24. H4 is 298.9 kilojoule per kg. H2 1465.84 and H1 is obviously this one value. So putting this value and finally we will be calculating. सारी वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो टर्म हमें मिलेगा तो सीओपी जो आपकी आएगी वो 6.8। तो इस सिस्टम की जो सीओपी है वो 6.8 है, दिस इज द आंसर। ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, आपको पता होना चाहिए स्टीम टेबल में सारी प्रॉपर्टीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर प्रॉपर्टीज नहीं दी है किस तरीके से कैलकुलेशन होगी तो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं किस तरीके से प्रॉपर्टीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन आप लोग किसी पर्टिकुलर बुक से आप लोग लगा सकते हैं, नो डाउट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डिस्कशन इज वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, ओके। वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल इज आई थिंक दैट इट इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस मॉड्यूल।
तो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल क्या है? जनरली अभी तक हम लोगों ने बात की थी वेपर कंप्रेशन साइकिल की, वेपर कंप्रेशन साइकिल की। और वेपर कंप्रेशन साइकिल में आपको पता है कि हम लोग कंप्रेसर यूज कर रहे थे वेपर्स को कंप्रेस करने के लिए, वी वर यूजिंग कंप्रेसर, ठीक है। लेकिन बिना कंप्रेसर के भी क्या हम लोग रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर मैंने आपसे बोला है कि मैं कंप्रेसर यूज नहीं करना चाहता हूं, क्या मैं कूलिंग इफेक्ट या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता हूं? यस या नो? तो ऑब्वियसली यस, बिना कंप्रेसर के भी मैं कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता हूं। क्या मैंने बोला आपसे, क्या मैं एक मोमबत्ती से, क्या एक मोमबत्ती से रेफ्रिजरेटर चला सकता हूं? बोलो, एक मोमबत्ती से जला करके क्या मैं रेफ्रिजरेटर चला सकता हूं, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। एक दीपक, एक दिया जलाओ, एक दिया जला करके भी आप रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो साहब, ठीक है। मतलब क्या हो गया, हम हीटिंग इफेक्ट से भी, हीट को यूटिलाइज करके भी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल की रिक्वायरमेंट है। सो वी विल बी यूजिंग वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल दैट विल यूज यूटिलाइज द हीट टू प्रोड्यूस द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जहां हम लोग कंप्रेसर का यूज कर रहे थे, तो इस वाले केस में हम लोग कंप्रेसर को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। कंप्रेसर का काम कुछ और डिवाइसेस करेंगी, तो वो डिवाइसेस क्या क्या हैं, वो वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। सो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डिस्कस, इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, यू हैव टू जस्ट रीड इट केयरफुली, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। सो इन दिस सिस्टम द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइंग हीट एनर्जी। So by using the heat energy, we can produce the refrigerating effect in this case. And in this system or in this cycle, we do not be using the compressor. हम लोग इसमें compressor use नहीं करेंगे। अगर compressor use नहीं करेंगे, तो फिर इसके parts क्या क्या रहेंगे? So the main parts of this refrigerating system are absorber, पहला part absorber होगा, a heat pump, एक generator use करते हैं, एक pressure reducing valve use करते हैं। So these things are used to replace the compressor of vapor absorption. इसको ये गलत लिखा भाई, इसको करेक्ट कर लेना, प्लीज करेक्ट इट। यहां पर जो लिखा है ना वेपर एब्जॉर्प्शन, यहां पे आ जाएगा वेपर कंप्रेशन, कंप्रेशन, ठीक है। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जो कंप्रेसर है, उस कंप्रेसर को रिप्लेस करने के लिए हम लोग एब्जॉर्बर, एक पंप, एक जनरेटर और एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को यूज करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द डिवाइसेस यूज्ड इन वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल टू रिप्लेस द कंप्रेसर, टू रिप्लेस द कंप्रेसर। तो कंप्रेसर को रिप्लेस करने के लिए क्या क्या डिवाइसेस यूज की जाती हैं? हाँ जी, नाम बताओ जल्दी से, बोलो सूर्यदेव, तो हम लोग वेपर कंप्रेशन साइकिल में, सॉरी वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में कंप्रेसर को यूज नहीं करते हैं, जबकि कंप्रेसर की जगह पे हम क्या क्या डिवाइसेस यूज करते हैं कंप्रेसर की जगह पे? एब्जॉर्बर यूज करते हैं जी सर, ये रहा देखो एब्जॉर्बर, पंप जी सर, जनरेटर और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। अगर हम कंप्रेसर को हटा करके एब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व यूज करें, तो हम लोग कंप्रेसर को यूज हटा सकते हैं और कंप्रेसर की जगह पर हम इन चार चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में हम लोग कंप्रेसर को किन डिवाइसेस से रिप्लेस करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से। ओके सर, ठीक है। दीज आर यूज टू रिप्लेस द कंप्रेसर ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन की जगह ये गलत लिखा है, इसको करेक्ट करके कंप्रेशन कंप्रेसर लिख लेना। तो वेपर कंप्रेसर सिस्टम में जो कंप्रेसर है, उस कंप्रेसर को रिप्लेस करने के लिए हम ये चार डिवाइसेस यूज कर सकते हैं टुगेदर विद द कंडेंसर। इसमें तो कंप्रेसर को रिप्लेस करने के लिए हम लोग एब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का यूज करते हैं।
इसके अलावा साथ साथ इसके साथ साथ और क्या 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 डिवाइसेज यूज होती है इसमें, कंडेंसर होता है, रिसीवर, एक्सपेंशन डिवाइसेज और एवेपोरेटर. सो दीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल. ठीक है, तो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लोग बिना कंप्रेसर को यूज किए भी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं केवल और केवल हीट का यूज करके. ठीक है, ओके सर. चलो अब देखो ये पूरा साइकिल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये एक ही पेज में लाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो सामने, दिस इज द डायग्राम फॉर वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, उसका फ्लो डायग्राम है किस किस तरीके से क्या क्या कंपोनेंट होते हैं. तो देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला कंपोनेंट ये आपका एब्जॉर्बर है, ये आपकी पंप है, ये आपका जनरेटर है या वेपर जनरेटर बोलते हैं इसको, ये कंडेंसर है, ये रिसीवर है, ये एक्सपेंशन डिवाइस है और ये आपका एवेपोरेटर है. ठीक है, ओके. अब देखो किस तरीके से ये काम किस तरीके से करता है वो पूरी एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ. इसमें सब कुछ लिखा होगा, इसमें सब कुछ लिखा होगा जो लिखा है, बस मैं वो आपको डायरेक्टली यही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज है. बस देखो ये डायग्राम आपको बनाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायग्राम आपको बनाना है. डायग्राम बनाने के बाद बस आपको इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी जो चीजें मैं बोलूंगा वो लिखा हुआ है ना, वो एक बार दिखा दूंगा. तो होता क्या है कि यहाँ पे कंडीशन वन है आपकी, ये कंडीशन वन दिख रही है, यहाँ पर होगा लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की अमोनिया वेपर्स होगी आपके पास, NH3. हाँ, अमोनिया, अमोनिया NH3 अमोनिया होता है. तो लो टेम्परेचर लो प्रेशर की जो अमोनिया की वेपर है वो कहां से आ रही है, कंडेंसर एवेपोरेटर से आ रही है. ठीक है, एवेपोरेटर. इस एवेपोरेटर से लो प्रेशर लो टेम्परेचर की अमोनिया वेपर्स आएंगी और उनको हम कहां भेजते हैं, एब्जॉर्बर के अंदर. कहां भेजते हैं, एब्जॉर्बर. इस एब्जॉर्बर में क्या होता है, इस एब्जॉर्बर में क्या होता है कि लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की जो अमोनिया वेपर्स हैं वो आई, आने के बाद यहां पर ऊपर से वाटर फ्लो हो रहा है ना, ये वाटर क्या हो रहा है, ऊपर से देख रहे हो ना, वाटर आ रहा है. तो जैसे ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर की अमोनिया वेपर है अंदर आएंगी, तो ये अमोनिया की वेपर्स जो है वो वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएंगी. क्या हो जाएंगी, वाटर में मिल जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी. तो वाटर क्या करेगा, जैसे ये वाटर आ रहा है ऊपर से, ये वाटर आ रहा है यहां से, ठीक है, और यहाँ पे वेपर्स आ रही है अमोनिया की, वेपर्स अमोनिया की वेपर्स आ रही है, तो वाटर के साथ ये अमोनिया की वेपर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी. तो जो वाटर पहले अवेलेबल था वो, उस वाटर में अमोनिया की क्वांटिटी कम थी. क्यों भाई, पहले अमोनिया की क्वांटिटी कम थी, तो जैसे ही ये अमोनिया की वेपर यहां आएंगी तो अमोनिया की परसेंटेज वाटर में इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, इंक्रीज होगी, तो आपका जो सॉल्यूशन पहले वीक था, जो पहले सॉल्यूशन वीक था, अब वो स्ट्रांग सॉल्यूशन बन जाएगा, स्ट्रांग सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया बन जाएगा. तो एब्जॉर्बर के बाहर जो आपके पास सॉल्यूशन होगा वो स्ट्रांग सॉल्यूशन होगा अमोनिया का. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन. एक्वा मतलब वाटर है ना, अमोनिया मतलब अमोनिया. तो एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन हमें मिलेगा कहां के बाद, एब्जॉर्बर के बाद. अब एब्जॉर्बर में कुछ प्रोसेस और होते हैं, सुनो वो क्या होता है. मैंने आपको बताया कि जैसे ही लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की जो अमोनिया वेपर है वो एब्जॉर्बर के अंदर जाएंगी, तो वाटर क्या करेगा, अमोनिया को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा. और अमोनिया को जैसे ही एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है तो होता क्या है कि टेम्परेचर वहां पर प्रेशर डाउन हो जाता है. प्रेशर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है. कहां पे, एब्जॉर्बर के अंदर. एब्जॉर्बर में क्या होता है, प्रेशर डाउन हो जाता है. प्रेशर डाउन होने से क्या होगा, जैसे यहां प्रेशर कम है और यहां पर प्रेशर इससे ज्यादा है ना, यहां प्रेशर मैंने बोला कम हो गया, यहां प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा, आपको पता है कि फ्लो कहां से कहां होता है, हाई टू लो, ऊपर से सर, हाई टू लो होता है ना. जी सर. तो यहां पर प्रेशर कम हो गया, यहां पर प्रेशर ज्यादा, तो अमोनिया की वेपर और तेजी से इधर आएंगी. अमोनिया की वेपर्स क्या करेंगी, और तेजी से यहां आएंगी. ठीक है, तो एक तो क्या होगा, जैसे जैसे ये अमोनिया वेपर्स एब्जॉर्ब होती जाएंगी तो प्रेशर कम हो जाएगा. प्रेशर कम होने से जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बढ़ जाएगा. ठीक है, पहला काम ये होता है. दूसरा क्या होता है कि जैसे ये अमोनिया, जो वाटर होता है, वाटर अमोनिया को एब्जॉर्ब करेगा है ना, तो एब्जॉर्ब करने से टेम्परेचर बढ़ जाता है. क्या हो जाता है, वहां पर थोड़ी सी हीट जनरेट होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. और टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन रेट घट जाता है. एब्जॉर्प्शन रेट क्या हो जाता है,
कम हो जाता घट है, जाए। घट जाता है। तो जब एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाएगा इसका मतलब अमोनिया कम एब्जॉर्ब होगी। अगर अमोनिया कम एब्जॉर्ब होगी तो हम जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन चाहते थे वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जल्दी से नहीं बन पाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि भाई जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उस टेम्परेचर को कम करने के लिए यहां से कूलिंग वाटर की सप्लाई दे देते हैं। तो देखो कूलिंग वाटर की सप्लाई दे रही है कि नहीं, देखो नीचे दिख रहा है, ये देखो एब्जॉर्बर के नीचे कूलिंग वाटर सप्लाई कर रहे हैं हम कि नहीं कर रहे हैं। तो जिससे जो हीट रिलीज हुई है उस हीट को हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे, और हीट एक्सट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा, हमारा जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर ने क्या किया, अमोनिया वेपर्स को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद हमें कंडीशन टू पे क्या मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया को हम प्रेशराइज करेंगे, यहां से इसका प्रेशर बढ़ाने के लिए इसको पंप से पंप करेंगे, ठीक है। तो लो प्रेशर की और लो टेम्परेचर की जो अमोनिया वेपर्स है उन सॉरी अमोनिया, अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ये होगा एब्जॉर्बर में आएगा। तो इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया को हम पंप करेंगे लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे। तो देखो यहां से पंप लगाई हमने, तो पंप क्या करती है, प्रेशर इंक्रीज करती है। तो ऑब्वियसली लो प्रेशर का जो या स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया है उसको हम पंप करते हैं हाई प्रेशर तक, ठीक है। तो हाई प्रेशर, तो लो हाई प्रेशर का अमोनिया एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा पंप के बाद। इसके बाद क्या करेंगे, जो हाई प्रेशर का एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हम वेपर जनरेटर में भेजेंगे। कहां भेजेंगे, वेपर। देखो पंप से हमने क्या कर दिया, देखो कंप्रेसर क्या काम कर रहा था, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में कंप्रेसर क्या काम कर रहा था, दो काम कर रहा था। एक काम कर रहा था टेम्परेचर इंक्रीज करने का, और दूसरा काम कर रहा था प्रेशर इंक्रीज करने का। कर रहा था कि नहीं कर रहा था, तो हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज करने के लिए तो पंप यूज कर ली, और टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए वेपर जनरेटर यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग सिस्टम यूज कर रहे हैं, इसमें अलग अलग चीजें यूज कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, जैसे ही हम लोगों ने हाई प्रेशर अमोनिया वेपर्स को अमोनिया सॉल्यूशन को जनरेटर में भेजा, तो हीट सप्लाई करेंगे वेपर जनरेटर में हम लोग, ठीक है। इस वेपर जनरेटर में हम लोग क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे। अब ये जो हीट सप्लाई कैसे भी कर सकते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो गन्ना होता है ना, गन्ने की खोई होती है गन्ना, हाँ गन्ना होता है ना, जी सर होता है। आपको पता है गन्ने का जूस निकालने के बाद उसकी खोई बच जाती है, वेस्ट बच जाता है, जी सर। उसको जला करके उसकी हीट दे सकते हैं, यहाँ पे मोमबत्ती जला सकते हैं, पतंग जला सकते हैं सर, हाँ स्टीम दे सकते हैं, स्टीम से हीट देनी है, धूप सूर्य सनरेस दे सकते हैं, मतलब हमें हीट सप्लाई करनी है बस। तो वो किसी भी तरीके से, हाँ किसी भी तरीके से करो, चाहे वेस्ट हीट कहीं से आ रही है तो वेस्ट हीट दे सकते हैं, उससे भी आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने हीट सप्लाई की, अब देखो हीट जैसे ही आप लोग सप्लाई करोगे तो होता क्या है, सुनो हमारी बात, कि ये जो सॉल्यूशन जा रहा है इसमें क्या है, दो चीजें हैं इस सॉल्यूशन में, हमारे पास वाटर भी है और अमोनिया भी है ना, वाटर भी है और अमोनिया भी है। आपको पता है कि भाई वाटर, वाटर जो आपका इवेपोरेट होता है अगर वन एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है तो आपका वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, इवेपोरेट होता है कि नहीं, लेकिन अमोनिया -30 पे भी हो जाता है, -30 पे हो जाता है, जी सर -30 पे अमोनिया इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम लोग यहां से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया भेजते हैं जनरेटर के अंदर, तो जो वाटर होता है ना, वाटर उस टेम्परेचर पे, वाटर तो आपका वेपर में बदल नहीं पाता है, लेकिन अमोनिया बहुत कम टेम्परेचर पे ही किसमें बदल जाता है, वाटर वेपर में बदल जाता है, ठीक है। इस वेपर जनरेटर के अंदर अमोनिया जो है, देखो इसमें सॉल्यूशन जा रहा है, अमोनिया भी जा रही है और वाटर भी जा रहा है, तो लो टेम्परेचर पे आपकी अमोनिया तो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, और वेपर में जैसी कन्वर्ट होंगी, हल्की होंगी तो ऊपर उठ जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगे, और वाटर आपका भी लिक्विड स्टेट में है तो थोड़ी बहुत अमोनिया वेपर भी उसके साथ रहेंगे, तो जो वाटर है वीक सॉल्यूशन हो जाएगा। जब अमोनिया की गैसेस, अमोनिया ऊपर निकल जाएगी तो जो सॉल्यूशन होगा वो वीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन वीक हो जाएगा। तो उस वीक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया को हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से दोबारा नीचे भेज देते हैं एब्जॉर्बर के अंदर, ठीक है। अब जो स्टेट आपकी 4 है, इस स्टेट में क्या हो रहा है, आपके पास हाई प्रेशर मिल चुका है क्योंकि पंप से आपने पंप किया है,
हाई टेम्परेचर मिल चुका है क्योंकि वेपर जनरेट हो चुकी है, तो ये अमोनिया के वेपर जो है वो कहां पर जाएंगी अब, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की अमोनिया वेपर कहां जाएंगी अब, कंडेंसर, कंडेंसर में जाएंगी। कंडेंसर में क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्ट हो जाएगी, है ना, और हीट रिजेक्ट होने के बाद ये आपकी किसमें बदल जाएंगी, किसमें बदल जाएंगी, लिक्विड में बदल जाएंगी। आपको पता है, आपको पता है जो कंडेंसर होता है उस कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में क्या होता है, वेपर जो होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, कंडेंस हो जाती है ना, तो जो वेपर थी अमोनिया की अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो हाई प्रेशर की मॉडरेट टेम्परेचर की अमोनिया वेपर लिक्विड अमोनिया आपको मिल जाएगा। इस लिक्विड अमोनिया को हम रिसीवर में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रिसीवर लगा है, रिसीवर में स्टोर कर लेंगे और इसके बाद हम एक्सपेंशन डिवाइस से इसको पास करा देते हैं, किसको, लिक्विड हाई प्रेशर का जो अमोनिया लिक्विड है उसको पास कराएंगे। एक्सपेंशन डिवाइस क्या करती है, इस हाई प्रेशर को लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देती है, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देगा इस पर, ठीक है। एक्सपेंशन डिवाइस का काम ही यही होता है, चाहे वो कंप्रेसर हो या कुछ भी हो, एक्सपेंशन डिवाइस में क्या होगा, जो आपकी अमोनिया है अब लिक्विड अमोनिया, वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही लिक्विड अमोनिया में लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड अमोनिया मिला, उस अमोनिया को हम कहां भेज देते हैं, लिक्विड अमोनिया को एवेपोरेटर के अंदर, कहां भेज देते हैं, एवेपोरेटर के अंदर। तो होता क्या है, ये लो टेम्परेचर का अमोनिया होगा, तो जैसे मान लिया हमने यहाँ पे सब्जी वगैरह रखी है या फ्रूट्स रखे हैं ठंडे होने के लिए, तो उन फ्रूट में से हीट ये निकाल लेगा, कौन, रेफ्रिजरेंट जा रहा होगा यहाँ पे, जो रेफ्रिजरेंट या जो अमोनिया जा रहा है वो अमोनिया ठंडा है, तो ये सेब हो गया, फ्रूट्स हो गए, सब्जी हो गए, पानी जो भी ठंडा होने के लिए रखा है वहां से ये हीट निकालेगा और अपना टेम्परेचर बढ़ा देगा, अपनी फेज बढ़ा लेगा। तो यहां पर जो लिक्विड में है अब वो किस में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा, है ना, यहां से हीट ले लेगा, वेपर में बदल जाएगा, और जो सब्जी वगैरह है वो ठंडी हो जाती है, आपकी सब्जी हो गया, वाटर हो गया, वो ठंडा हो जाता है, ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, अगेन ये वाला साइकिल रिपीट होता रहता है। जो मैंने बोला है वही लिखा है अंदर, ठीक है, ओके सर। हाँ चलिए, अब एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि जो आपका एक्वा अमोनिया है, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम VARS जो है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एक अमोनिया वापर, ये जो है आपका अमोनिया वाटर है ना, कई टाइप के होते हैं, अमोनिया वाटर होता है, लिथियम ब्रोमाइड वाटर होता है, लिथियम ब्रोमाइड और वाटर, एक ये वाला है अमोनिया और वाटर का, एक लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का है, तो ये दो टाइप के सिस्टम तो होते हैं हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन एब्जॉर्बर का काम करता है, कौन रेफ्रिजरेंट का काम करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास सिस्टम अमोनिया अमोनिया वाटर वाला है, अमोनिया वाटर वाला आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, तो इसमें अमोनिया आपका किसका काम करता है, रेफ्रिजरेंट का, किसका काम करता है, रेफ्रिजरेंट का, रेफ्रिजरेंट का, जो गैस हम बोलते थे ना वो रेफ्रिजरेंट का काम करता है, और वाटर करता है एब्जॉर्बर का काम, किसका काम करता है, वाटर एब्जॉर्बर, ठीक है। किस वाले सिस्टम में, अमोनिया वाटर वेपर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, जबकि अगर आप लिथियम ब्रोमाइड और वाटर वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करोगे, तो उस वाले केस में लिथियम ब्रोमाइड आपका एब्जॉर्बर का काम करता है, एब्जॉर्बर का काम, वाटर जो है वो आपका रेफ्रिजरेंट का काम करता है, जी सर, ठीक है, वाटर आपका रेफ्रिजरेंट का काम करता है, ठीक है, ओके सर। तो ये है आपका सिस्टम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे काम करता है, आई हैव एक्सप्लेन दिस वन इन डिटेल, जो चीज मैंने बोली है ना वही लिखा है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार दिखा देता हूँ मैं जल्दी से स्टडी कर देता हूँ। तो देखो वही लिखा है, इन दिस सिस्टम द लो प्रेशर अमोनिया वेपर्स लीविंग द एवेपोरेटर एंटर्स इनटू द एब्जॉर्बर, है ना, वही लिखा है, व्हेन इट इज एब्जॉर्ब, व्हेन वेयर इट इज एब्जॉर्ब By the cold water in the absorber. Absorber के अंदर जो वाटर आता है वहां पर ये absorb हो जाएंगी. The water has the ability to absorb large quantity of ammonia vapors and the solution formed is called aqua ammonia solution.
ये बताया कि जब वेपर्स आएंगी तो वाटर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो लार्ज अमोनिया वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसको हम एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया वेपर्स इनटू द वाटर लोवर्स द प्रेशर इन द एब्जॉर्बर। तो यही बोला कि जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर के अंदर तो वहां पर एब्जॉर्बर के अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है एंड हेंस ड्रॉन मोर वेपर्स फ्रॉम द एवेपोरेटर, जिससे क्या होता है कि जो एवेपोरेटर है हमारा उस एवेपोरेटर से ज्यादा अमाउंट में ज्यादा क्वांटिटी में क्या अमोनिया वेपर्स आने लगती है। ठीक है, जो मैंने बताया था कि प्रेशर ज्यादा डाउन हो जाता है तो अमोनिया वेपर ज्यादा क्वांटिटी में आने लगती है। इसके बाद ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस। मैंने ये भी बताया था कि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कूलिंग वाटर अरेंजमेंट। तो कूलिंग वाटर अरेंजमेंट। इसके बाद होता है द हीट रिमूवल फ्रॉम द एब्जॉर्बर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है एब्जॉर्बर के अंदर। द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज देन सप्लाई टू द वेपर जनरेटर विद द हेल्प ऑफ पंप। लिक्विड पंप होती है, लिक्विड पंप से हम लोग स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को वेपर जनरेटर में भेज देते हैं। फिर द पंप इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अप टू 10 bar, 10 bar के आसपास तक का प्रेशर बढ़ जाता है। This strong solution of ammonia is then heated by some external source like steam, heating coil. इन सबसे हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। कहां पर, वेपर जनरेटर के अंदर हम उसको हीट करते हैं। जी सर। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, हीटिंग द कॉइल एक्सेट्रा। इसके बाद क्या होता है, द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर अमोनिया वेपर्स आर सेंड टू द कंडेंसर। फिर अमोनिया वेपर सेंड हो जाती है, मतलब वेपर्स बन जाती हैं। उन वेपर्स को हम कहां भेज देते हैं, कंडेंसर में भेज देते हैं, जबकि जो वीक सॉल्यूशन होता है अमोनिया का उसको हम कहां भेज देते हैं, एब्जॉर्बर में भेज देते हैं ना, किसके थ्रू, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू नीचे आ जाता है वो। फिर जो हाई प्रेशर की और हाई टेम्परेचर की अमोनिया वेपर है वो कंडेंस हो जाती है कंडेंसर के अंदर और वो लिक्विड में बदल जाती है और एंड देन सप्लाई टू द रिसीवर। उसके बाद हम उसको रिसीवर में भेज देते हैं। ठीक है, इसके बाद द हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया इज देन स्टोर्ड इन टू द रिसीवर। रिसीवर में उसको स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसको एवेपोरेटर में भेज देते हैं, किसके थ्रू, एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू। तो उसके बाद जो रिसीवर में अमोनिया वेपर्स आई है उनको हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंशन डिवाइस में पास होने के बाद कहां भेज देते हैं, एवेपोरेटर के अंदर। अब एक्सपेंशन डिवाइस में क्या होता है, द एक्सपेंशन वाल्व रिड्यूसेस द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड अमोनिया। तो अमोनिया का जो लिक्विड अमोनिया का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है और टेम्परेचर भी वहां पर डाउन हो जाता है आफ्टर द एक्सपेंशन। ठीक है, बस खत्म हो रहा है। इसके बाद सो दिस लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड अमोनिया इज देन पास्ड थ्रू द एवेपोरेटर वेयर द हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू बी कूल। जिस ऑब्जेक्ट को आपको ठंडा करना है वो एवेपोरेटर के अंदर से हीट निकाल लेगा और आपका ऑब्जेक्ट ठंडा हो जाएगा। फिर जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की अमोनिया वेपर बन जाएगी, बनने के बाद हम उसको दोबारा कहां भेज देते हैं, एब्जॉर्बर में भेज देते हैं। जिस तरीके से आपका साइकिल जो है वेपर सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू एंड देन फाइनली वी विल बी रिपीटिंग दिस प्रोसेसेस एंड अगेन यू विल बी गेटिंग द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपका मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग कंप्रेसर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर।